Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 9th with chapter 15 probability. So let's get started without wasting any time. तो probability क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है. तो probability क्या चीज है जी, हम इसको निकाल सकते हैं कैसे. ऊपर तो लिखते हैं जी favorable outcomes, ये इसका होता है formula, ठीक है, favorable outcomes. और नीचे क्या लिखेंगे जी, total number of outcomes, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब मैं फॉर्मूले से आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि फिर साथ साथ एग्जाम्पल दे दूंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये. अब समझिए, मान लीजिए आपके पास है एक कॉइन, ठीक है. अब ये जो कॉइन है आपके पास, अगर आप इसको टॉस कराएंगे तो दो ही केसेस होंगे, कौन कौन से, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है जी, दो केसेस बने हमारे. अब टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए, ये जो आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो क्या हो जाएंगे, टू, ठीक है. मान लीजिए प्रोबेबिलिटी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो आप किसकी, हेड आने की, ठीक है, हेड आना चाहिए आपका. तो हेड कितनी बार आ सकता है इन दोनों में से, एक ही तो बार आ सकता है, यानी कि फेवरेबल जो इसके फेवर में है वो कितने हैं, वन. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन बाय टू, ठीक है जी, यहां तक. अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई डाइस है, ठीक है, डाइस का केस ले लेते हैं. तो डाइस के ऊपर क्या लिखा होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छह नंबर होते हैं. तो सबसे पहले तो आप ये देखो, छह नंबर होते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो क्या हो जाएंगे, सिक्स. तो डिवाइड में तो क्या आएगा, हमेशा सिक्स, ठीक है. अब ऊपर की साइड क्या लिखेंगे हम, ये और देख लेते हैं. तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो आप, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी मैंने आपसे, ठीक है. ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है, जो टू से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि वन थ्री और फाइव, तीन नंबर हैं इसमें ओड. तो ओड नंबर कितने होंगे टोटल, तीन. तो फेवरेबल क्या आ गए हमारे, थ्री. तो ऊपर क्या आ जाएगा, थ्री. और ये कट के आंसर क्या आ गया, वन बाय टू. समझ आ गया सबको. तो हमें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होने चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स पता होने चाहिए, सिर्फ डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी. अच्छा एक चीज और समझ लीजिए ध्यान से, कि ये जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, ये मिनिमम तो जीरो होती है और मैक्सिमम वन, ठीक है. यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से वन के बीच में लाई करती है, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, ठीक है. और समझ लीजिए कि नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती और वन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 15%, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ये जो भी लिखा 15%, कि क्या ये पॉसिबल है किसी की प्रोबेबिलिटी होना. तो देखिए 15 तो एज इट इज, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड में 100. अब ये कट जाएगा, किससे कटेगा ये, अच्छा कटने की जरूरत ही नहीं है. देखो दो जीरोज है नीचे, जीरोज को हटाएंगे तो इसको दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 15 के बाद यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो. तो आंसर क्या आया, 0.15. अब ये जीरो से वन के बीच में है तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, पॉसिबल है ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है. अगर मैं लिखूं कि -2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये नेगेटिव है, ऊपर से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारी. अब ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ सा. इसके अलावा कुछ भी अगर यूज हुआ तो बीच बीच में आपको बताती चलूंगी मैं. तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज से. तो एक ही एक्सरसाइज, इसमें छोटा सा चैप्टर है, इजी सा है और अच्छा चैप्टर है, ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारी एक्सरसाइज 15.1 का, स्टेटमेंट बता देती हूँ मैं आपको. तो इसने कहा, इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच के अंदर अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स दे रखी हैं वो हमें पहले से इसने बता दी, टोटल बॉल्स कितनी है, 30. फिर इसने कहा कि एक बैट्समैन है वो क्या करती है, बाउंड्री हिट करती है 6 टाइम्स इनमें से. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिट्स अ बाउंड्री, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, हिट्स अ बाउंड्री कितना, 6 टाइम्स. अब अगर 6 टाइम्स हिट करती है तो हिट ना करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर डज नॉट हिट, अगर बाउंड्री हिट ना करे तो क्या हो जाएगा, 30 टोटल थी, 6 टाइम्स बाउंड्री हिट करती है तो 24 क्या हो जाएंगे, जिसमें वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी, ठीक है. फिर निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है, तो उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया, यानी कि डज नॉट हिट अ बाउंड्री. तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप हिट ना होने की, अब इस इवेंट को आप ई सपोज कर लीजिए, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था हमारा, ऊपर तो क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखेंगे टोटल आउटकम्स. तो ये आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है. अच्छा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, हिट नहीं करती, वो फेवर में है ना, तो हिट नहीं करती कितने टाइम्स, 24. तो ऊपर तो आ गया 24, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल कितनी बोल है, 30, ठीक है. अब ये किससे कटता है, कट कर दो हम इसको, कर देते हैं 6 से, 6 4 जा 24 6 5 जा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4/5, ठीक है जी. समझ आ गया सबको. तो ऐसे ही सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं.
हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इसने कहा 1500 फैमिलीज वर विद टू चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। टोटल कितनी फैमिलीज को सिलेक्ट किया है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो टोटल फैमिली है हमारी वो कितनी है, 1500, ठीक है, विद टू चिल्ड्रन, जिनके दो चिल्ड्रन है, वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, और ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। डाटा क्या कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे मान लीजिए टोटल कितने चिल्ड्रन थे, दो थे हमारे पास, ठीक है। अब इसने कहा कि जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, टू, यानी कि दोनों ही लड़कियां हैं, वो कितनी फैमिली है ऐसी, 475, जिसमें एक लड़की है वो कितनी है, 814, जिसमें एक भी लड़की नहीं है वो कितनी है, 211, ठीक है। अब इसने क्या कहा, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉलोइंग ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम, एक फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालो, किसकी, फर्स्ट पार्ट में टू गर्ल्स, जिसके अंदर कितनी लड़कियां हैं, दो लड़कियां, तो ये वाली, तो हमारे पास जो फेवरेबल हो जाएंगे आउटकम्स वो क्या बनेगा हमारा, 475। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, मान लीजिए पी ऑफ ई। अब क्या था हमारा फॉर्मूला, ऊपर तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना हो गया, 475, टोटल फैमिलीज क्या है, 1500, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये कट हो सकता है तो कट कर दो इसको, 5 से कर देती हूँ पहले, 5 9 45, फिर 5 5 ज़ा, फिर इसको करेंगे 5 3 ज़ा 15 और 00, फिर से 5 से हो जाएगा तो 19 पे, और ये चला जाएगा जी 60, तो आंसर क्या आ गया, 19/60। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड में क्या कहा इसने, वन गर्ल, एक लड़की होनी चाहिए। अब एक के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है हमारे, तो वो तो है 814, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी हमारी, 814 डिवाइडेड बाय 1500। ये कट हो सकता है तो कट कर लो इसको, 2 से कर लो, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14, नीचे से कट करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0, ये आंसर आ गया हमारा। और कट हो सकता है तो देख लेना इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जाएंगे, थर्ड पार्ट कहता है नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि फेवरेबल क्या हो जाएंगे, 211, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी, 211 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है जी, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, हमें ये चेक करना है कि इसमें जो टोटल सम बनेगा प्रोबेबिलिटीज का, जो तीनों पार्ट्स में अलग अलग निकाली, क्या उनका सम 1 बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहीं से लिख देती हूँ एज इट इज, मैं ना ये वाला आंसर नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि बाद में एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी ऐड करते टाइम, तो ये ले लेते हैं। क्या है आंसर फर्स्ट पार्ट से, 475/1500 प्लस सेकेंड से क्या आया था हमारा, ये वाला 814 डिवाइडेड बाय 1500 प्लस यहाँ से क्या आ गया, 211/1500। अब देखिए तीनों में 1500 है नीचे, इसलिए मैंने 1500 वाली टर्म लिया, वो तो नीचे एज इट इज आ जाएगा, ऊपर से क्या बनेगा, 475 प्लस 814 प्लस में 211, ठीक है, प्लस करेंगे 5 + 4 9 + 1 10, 7 + 1 8 + 1 9 और 1 पहले से बचा हुआ था तो 10, 1 बचा, 2 + 8 10, 10 + 4 14 और 1 बचा हुआ था 15, और नीचे चल रहा है 1500, कट गया, क्या आंसर आ गया हमारा 1। तो जो टोटल सम होता है ना प्रोबेबिलिटीज का, वो हमेशा ही क्या आता है, 1 के इक्वल, तो यहाँ से हमारा आंसर, इसने पूछा था 1 आएगा या नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया कि क्या आएगा हमारा 1, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट की स्टेटमेंट इसने लिखी, रेफर टू एग्जांपल 5 ऑफ सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 के अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे जाना है, ठीक है, चले जाएंगे। पूछा क्या है इसने वो देख लेते हैं, इसने हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त, यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि जो स्टूडेंट है हमारा वो बोर्न जो हुआ है ना वो किस में होना चाहिए, वो इसमें होना चाहिए, अगर इस वाले महीने में बोर्न हुआ है तो उस केस में हमें उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है जी, करना क्या, वो समझ आ गया आपको। तो एक बार फटाफट से हम मूव करते हैं बैकवर्ड, तो ये वाला है भाई एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, पेज नंबर 247 पे गिवन है ये एनसीईआरटी वाली बुक में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी गिवन है। अब यहां से हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि अगस्त के अंदर जो बोर्न हुए ना, हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पहले तो पढ़े स्टेटमेंट, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, टोटल कितने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा गया, 40, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है वो क्या आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से डायरेक्टली देख लेते हैं कि अगस्त में कितने बच्चे बोर्न हुए हमारे, ये अगस्त वाला मंथ है, तो ऊपर जाइए यहाँ पे और इधर देखेंगे तो कहां तक पहुंचा हुआ है ये हमारा, 6 तक, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारा 6, डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 40, ठीक है, कट के क्या आंसर आएगा, 2 3 ज़ा और यहां से आ जाएगा 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3/20, ठीक है जी, छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, देखिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है 200 टाइम्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, क्या क्या, कि एक
हमने कितनी बार टॉस किया है, हमने 3 बार टॉस किया है, तो हो सकता है तीनों बार हेड आया हो, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी 23, यानी कि 23 टाइम्स क्या आया 200 में से, हेड आया तीनों बार, ठीक है। फिर 2 बार हेड आया कितनी बार, 72 टाइम्स, 1 बार हेड आया 77 टाइम्स, और 1 भी बार हेड नहीं आया, यानी कि दोनों बार टेल आए हमारे 28 टाइम्स, ठीक है। अब इसने पूछा इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कि जो तीनों कॉइन्स हैं अगर हम उनको फिर से टॉस करें, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 2 हेड कितनी बार आए थे, 72 टाइम्स, कितने में से, 200 टाइम्स में से, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 72 डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 200, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, अगर ये कट हो सकता है तो 2 से कट हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा हमारा, किस पे जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 से ये होगा 100 पे, फिर 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 9, फिर ये हो जाएगा 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, 9/25। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड सर्वेड देम टू डिटरमिन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली, की उनकी क्या इनकम है और उनके पास कितने व्हीकल हैं, इसका एक रिकॉर्ड बनाया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अब वो देख लेते हैं क्या है, ये रहा हमारा रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज अ फैमिली इज चूजन, एक फैमिली चूज की है हमने इनमें से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फैमिली चूजन इज, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, कि अर्निंग क्या होनी चाहिए 10,000 से लेकर 13,000 पर मंथ, एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके पास व्हीकल्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो पहले से तो 10 से लेकर 1300 ये रहा हमारा, सॉरी 1000, तो ये वाले स्लॉट में जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए, इसने 2 व्हीकल्स की बात करी है, तो देखिए इस लाइन में जाके और 2 के नीचे क्या आंसर आया हमारा, 29, ठीक है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, उसमें फेवरेबल क्या हो जाएगा, 29, और टोटल फैमिलीज क्या थी, 2400, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 29/2400, ठीक है जी, समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्निंग 16,000 एंड मोर पर मंथ, देखिए 16 और मोर यानी कि लास्ट वाले लाइन में जाएंगे, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और जिसके पास व्हीकल कितना है, सिर्फ 1, यानी कि 1 के नीचे जाएंगे ये 579, ठीक है, इधर से यहाँ पे, इधर से ऊपर से 1 के नीचे, तो आंसर क्या आ गया, 579। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 579/2400। इनको आप अगर ये कट हो सकते हैं तो कट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड में क्या कहता है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, 7,000 से लेस, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन में जाएंगे फिर, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है खुद का, तो ना यानी कि हम देखेंगे 0 व्हीकल के नीचे, तो क्या है, 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी इस केस में, 10/2400, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट में चले जाते हैं, फोर्थ कहता है अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ, 13 से 16, लास्ट सेकंड में जाना है फिर, एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और उनके व्हीकल्स क्या है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा, यानी कि अबव 2 की लाइन में जाएंगे, तो देखिए 13 से 16,000 जाएंगे इधर जाते जाते, और अबव 2 के नीचे तो कितना आ गया, 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी फोर्थ पार्ट के अंदर, 25/2400, ठीक है जी। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ओइंग नोट मोर देन 1 व्हीकल, अब देखिए इनकम लेवल नहीं का इसने हमें कोई भी स्पेसिफिक ले, इसने सिर्फ ये बोला कि व्हीकल जो है ना वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 0 व्हीकल वाले हैं वो भी आएंगे इसके अंदर, और जो 1 वाले हैं वो भी आएंगे, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ना तो 2 पे जाएंगे ना अबव 2 पे जाएंगे, तो ये बचे हमारे ये वाले और ये वाले। तो अब देखिए पहले तो फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे, फेवरेबल कौन से होंगे, जिनके पास 1 भी व्हीकल नहीं है या फिर सिर्फ 1 है, तो ये सारे और ये सारे। अब टोटल कैसे फेवरेबल जो आए हैं, ये सारे फेवरेबल हैं, तो कैसे निकालेंगे फेवरेबल हमारे, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए मैं एक बार आपको देखिए लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, जो जो हमारे पास आए हैं, तो हमारे पास आए हैं जी 10+0+1+2+1, ठीक है, फिर प्लस में 1 के नीचे वाले हैं 160/305, प्लस में 535, प्लस 469, प्लस में है जी 579, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करके जो भी आएगा हमारा, ये कौन हो जाएंगे, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, ठीक है, फेवरेबल। टोटल तो सबको पता ही है क्या गिवन था हमारा, 2400, तो ये फेवरेबल डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2400, तो हमारा क्या आ जाएगा जी, 5th पार्ट के प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं ना खुद से, तो इनको आप प्लस कर लीजिएगा, ये आपके फेवरेबल हो जाएंगे, डिवाइड में आप क्या लिखेंगे, 2400, ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है जी।
हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें। रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। ठीक है, इस टेबल पे जाना है। तो ये टेबल देखिए मैंने पहले से निकाल ली, ये वाली टेबल है हमारी। अब कहा क्या है इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर उसके मार्क्स कितने आए 20% से लेस, उसकी क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए टेबल के अंदर देखिए मार्क्स 0 से लेकर जब 20 हैं हमारे, उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं हमारे 7। तो इसने कहा था ना 20 से कम होने चाहिए, तो ये फर्स्ट वाले में 20 से कम मिलेंगे हमें। तो कितने स्टूडेंट्स हैं 7, और टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं 90। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फेवरेबल क्या है 7 और टोटल क्या है 90। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 7/90। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, कि जो एक बच्चा है वो मार्क्स कितने अटेंड करे 60 या फिर 60 से ज्यादा। तो देखिए टेबल के अंदर ये 60 से 70 वाले कॉलम के बच्चे जितने हैं वो भी आएंगे, 70 और उससे ज्यादा वाले भी आएंगे, यानी कि 15 और 8 ये दोनों आएंगे हमारे पास। इसने कहा था ना कि 60 से ज्यादा होने चाहिए मार्क्स, तो 60 या 60 से ज्यादा इसके नीचे वाले मिलेंगे हमारे, यानी कि 15 और 8। तो टोटल क्या हो गया 15 + 8 = 23। तो 23 तो क्या हो गए हमारे फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 90। तो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23/90। आपको बेटा पेपर में सारे करके दिखाने अच्छे से, ठीक है, कि 15 थे और प्लस में 8 था तब जाके आपका 23 फेवरेबल बना, फिर टोटल 90 गिवन है, फिर प्रोबेबिलिटी का आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो तब जाके आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, मार्क्स अगर आपको पूरे चाहिए तो आपको प्रोसीजर भी फुल अपना देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ओपिनियन पता करने के लिए अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। 200 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में क्या हुआ, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। डाटा यहाँ पे है ओपिनियन और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो लाइक करते हैं इस सब्जेक्ट को वो है 135, जो लाइक नहीं करते डिसलाइक करते हैं वो क्या है 65। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फर्स्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स, वो लाइक करता है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल कौन हो जाएंगे, जो बच्चे लाइक करते हैं सब्जेक्ट को, और लाइक कितने करते थे 135, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 135, टोटल कितने थे 200। ये हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, कट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं सेकंड पार्ट। फिर इसने कहा डज नॉट लाइक इट, जो इसको लाइक नहीं करते वो कितने हैं 65, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 65/200। ठीक है जी, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक एक्सरसाइज 15.1 के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।